नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। इन दिनों में माँ दुर्गा के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना करते हैं। 7 अक्टूबर से शुरू हुए इस त्यौहार का समापन 15 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि की शुरुआत के पहले दिन लोग अपने घर में कलश स्थापना करते हैं और उस कलश के नीचे जौ बोए जाते हैं। ज्योतिष अनुसार ये जौ हमारे भविष्य के बारे में बताते हैं, जानिए कैसे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल धर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ज्योतिष शास्त्र अनुसार नवरात्रि के दौरान बोए गए जौ का भविष्य से गहरा संबंध होता है। अगर जौ 3 दिन में उगने लग जाते हैं और 6 दिन में अच्छी और हरी हो जाती है तो ये शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपको धन लाभ होगा और घर परिवार में जिन लोगों का विवाह होने वाला है उनके विवाह में आने वाली सभी दिक्कतें दूर होने लगेंगी। इसके अलावा ऐसे जौ से इस बात का भी संकेत मिलता है कि घर परिवार के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर जौ घनी और हरी उगती है तो इसका मतलब है पूरा साल आपका अच्छा बीतेगा। अगर उगे हुए जौ की जड़ों की शुरुआत में सफ़ेदी दिखाई देती है, यानी ये हल्के हरे कलर में बढ़ते दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब है कि आने वाला नया साल आपके लिए शुरुआत में कष्टकारी रहेगा, लेकिन धीरे धीरे परेशानियां कम होती चली जाएंगी। वहीं अगर 7वें और 8वें दिन जौ उगकर नीचे की ओर झुकने लगती है तो इसका मतलब है कि साल की शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन साल के अंतिम समय में आपको कष्टों का सामना करना पड़ेगा। अगर जौ काले रंग टेढ़े मेढ़े उगते हैं तो ये अच्छे संकेत नहीं है। यदि जौ उग नहीं पाई है तो इसका मतलब है कि आपको आने वाले साल में धनहानि होने की आशंका रहेगी। ऐसे में आपको माँ दुर्गा की आराधना कर हवन पाठ करवाना चाहिए।